फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी। आई एम शिवम चैर। दोस्तों, आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। यूपीपीसीएस के जो भी कोर्सेज होंगे वो आप तक पहुंच जाएंगे। बस आपको करना ये है कि एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से, नहीं तो इस वीडियो के नीचे लिंक रहेगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिससे आगे सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजन यूपीपीएससी चैनल में। मेरा नाम है शिवम चहल। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे हम लोग डिफेंस स्टडी पेपर टू के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको। और इससे पहले मैं 3 वीडियो और बना चुका हूँ, जिन लोगों ने नहीं देखा जाके देख सकते हैं, या एक जो प्ले मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है डिफेंस स्टडी का, आप वहाँ जाके सारी डिफेंस स्टडी की जितनी वीडियोज़ हैं उनको वॉच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार आवश्यक क्यों और उसके लिए भारत के सामने चुनौतियां क्या हैं। ठीक है, ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, बन सकता है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा 2016 के 71वें सत्र के दौरान सुरक्षा परिषद सुधार पर अंतर्राष्ट्रीय वार्ता के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी, जहां सदस्य राज्यों में सुधार की तत्काल आवश्यकता के विचार विमर्श किया गया था। अब देखिए, सुधार चाहते तो कई कंट्रीज ऐसी सुधार चाहती हैं, लेकिन जो P5 की मेम्बर हैं वो इसमें इतना भागीदार नहीं बन रहे हैं। देखिए, इम्पोर्टेंस क्यों है। युद्धोपरांत बनाई गई, यानी कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद बनाई गई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद वास्तव में उन परिवर्तनों को प्रतिबिंबित नहीं करती जो शीत युद्ध के अंत के बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में हुए हैं। उपनिवेशवाद के युग से उत्तर उपनिवेशवादी स्वतंत्र राज्यों में परिवर्तन होने के साथ विश्व ने शक्ति के एक पुनर्वितरण और नए सत्ता केंद्रों का उदय हुआ है। ठीक है, यानी कि पहली जैसी कंडीशन अब नहीं रही, पावर पहले किसी के पास थी, अब किसी के पास है, और एक पावर है भी नहीं सभी के पास में, पावर में भी काफ़ी डिवाइडेशन हो गया है। ठीक है, जो बैलेंस ऑफ पावर था वो काफ़ी चेंज हो गया है और वो कई जगह बढ़ गया है। स्थायी सदस्यों के बीच भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्वता ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को वैश्विक संकट से निपटने के लिए प्रभावी तंत्रों का विश्वास करने से रोका है। इसका एग्जाम्पल ये दे सकता हूँ कि जो P5 के मेंबर हैं वो अपने ही कार्यों के लिए एक दूसरे के खिलाफ वीटो करते रहते हैं। ठीक है, जबकि उन सभी जो मेंबर हैं उनका काम है मिल बैठ के वर्ल्ड में अगर कोई संकट कहीं उत्पन्न हो रहा है तो उस चीज़ का समाधान निकालें, जबकि होता यह है कि वो लोग खुद ही एक दूसरे के अगेंस्ट में जाके वीटो करते हैं। जटिल वैश्विक परिदृश्य, राष्ट्रों के बीच संघर्ष सशस्त्र संघर्ष से पीछे छूट गए हैं और उनकी जगह राष्ट्र सदस्य राष्ट्रों के बीच अधिकाधिक भागीदारी है और समन्वय एक आधुनिक शांति और सुरक्षा संबंधी विचारों ने ले ली है। अब देखिए, पहले कंडीशन ये थी कि एक दूसरी कंट्री का विजिट भी नहीं करते थे जो कई जो पावरफुल कंट्रीज थे, लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि रशिया और जो है US के प्रेसिडेंट की, और वहाँ पर अच्छी खासी उनकी मीटिंग होती रहती है। उधर चाइना से जो उनके शीर्ष अधिकारी जाते हैं, नेता जाते हैं, उनकी मीटिंग चलती रहती है। तो अब पहले जैसी कंडीशन जो है वो इसमें भी नहीं रही। प्रतिद्वंद की कमी, अब देखिए अफ्रीका महाद्वीप से कोई भी मेंबर नहीं है। ठीक है, अब ये एक बड़ी बात है कि इतना बड़ा महाद्वीप होने, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप होने के बाद भी वहाँ पर कोई भी जो है मेंबर उनका संयुक्त राष्ट्र की परिषद में जो स्थायी परिषद है वहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि आवश्यक क्यों है, इसकी चेंजेस क्यों होने चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सीट के लिए भारत का तर्क क्या है कि भारत अपनी सीट क्यों मांगता है। तो देखिए, ये विश्व का सर्वाधिक विशाल लोकतंत्र एवं एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मुस्लिम राष्ट्रों द्वारा भारत पर अपेक्षाकृत अधिक विश्वास किया जाता है एवं सुरक्षा परिषद के पास संभवतः चीन के अतिरिक्त मध्य पूर्व में वार्ता हेतु भारत के रूप में भी एक अन्य विकल्प मौजूद होगा। ये तो नॉर्मल सी बात है कि जितने मुस्लिम्स यहाँ रहते हैं, ठीक है, एक बड़ी संख्या में, जितने बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ में भी हैं मुस्लिम, लेकिन अगर आप देखें कि क्योंकि बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनको जो है P5 में मेंबर बनाना बहुत बड़ी बात है, ऐसा कभी बहुत मुश्किल चांसेस के होने के, लेकिन इंडिया जो है उन लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकता है क्योंकि उनकी एक अच्छी जनसंख्या जो है हमारे यहाँ भी रहती है।
भारत संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से है। भारतीय सेना संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में मिशन की स्थापना के बाद से ही एक बड़े योगदानकर्ता के रूप में है। भारत द्वारा अनेक संयुक्त राष्ट्र अंगों जैसे संयुक्त राष्ट्र डेमोक्रेसी फंड इत्यादि में नियति रूप से दान देने के साथ ही संयुक्त राष्ट्र को सर्वाधिक वित्तीय योगदान देने वाले देशों में से है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन जैसी पहलों के कारण ऐतिहासिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी भारत की छवि विश्व शांति के पक्षधर एवं संघर्षों के विरोधी के रूप में रही है। ठीक है, ये भारत के तर्क है कि भारत को उसमें क्यों होना चाहिए। अब देखिए सुधार के लिए चुनौतियां क्या हैं भारत के सामने। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनी वैधता खोते जाना, देश में कई नीति निर्माताओं द्वारा अपनी वैधानिकता खोती जा रही संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था में भारत के प्रयास की तार्किकता के प्रति प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। उसका एग्जाम्पल ये देखिए, वहाँ लोग कहते हैं कि जब वहाँ पर जो P5 कंट्रीज़ के जितने भी स्थायी मेंबर हैं उनके आपस में सहमति नहीं बनती, वे अपने फायदे के लिए ही चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो इंडिया अगर मेंबर बन भी जाएगा तो उससे इतना बड़ा क्या बदलाव आ जाएगा। ठीक है, एक उनका ये कहना है। दूसरा है, बहुपक्षीय संस्था में भारत का प्रदर्शन, बहुपक्षीय संस्थाओं में बातचीत के दौरान भारत पर कई सदस्यों द्वारा बड़ी बाधा के रूप में आरोप लगाया गया है। P5 सदस्यों की यथास्थिति है, वे अपनी संबंधित स्थिति में किसी भी बड़े परिवर्तन के विरोधी हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके अलावा भी कोई मेंबर बने और जिसको पावर मिले वीटो का। चाइना तो ये चीज़ बिल्कुल कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया को मेंबरशिप मिले और इंडिया जो है चाइना के खिलाफ ही वीटो करता रहे। ठीक है, तो इस तरह से उन देश के लोगों ने तो बिल्कुल भी इस चीज़ में परिवर्तन होने से मना किया है। लेकिन आगे की सुधार के लिए एक राह कुछ खुलती नज़र आ रही है। सुधार प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करना, आगे की जो राह है, G4 कंट्रीज़ जो हैं उन्हें सुधार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति देने के लिए सौदेबाजी चिप के रूप में संशोधित व सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में आरंभिक रूप से वीटो अधिकार को त्यागने का प्रस्ताव दिया है। अब G4 कंट्री के जो भी देश हैं उन्होंने कहा है कि कोई बात नहीं, आप हमें वीटो का अधिकार मत दीजिए आप, लेकिन हमें वहाँ का स्थायी सदस्य जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक तरह से कहा जाए तो वो लोग एक ऐसे सौदेबाजी करने में लगे हुए हैं कि पहले स्थायी सदस्यता ले ली जाए और उसके बाद में जो है वो वीटो पावर भी बाद में ले ली जाएगी। तो इस तरह से कदम बढ़ाया जा रहा है आगे जाने के लिए। परिषद को और अधिक प्रतिनिधिक और लोकतांत्रिक बनाने के लिए परिषद का सार्थक सुधार अपरिहार्य है, ताकि यह शांति और सुरक्षा, संधारणीय विकास और मानव अधिकारों की चुनौतियों हेतु व्यापक, समन्वित और सुसंगत दृष्टिकोण अपनाने में सक्षम हो सके। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार आवश्यकता के चुनौती भी क्वेश्चन ही मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।